नमस्कार, मैं इम्तियाज अंसारी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 51 सामुदायिक वन अधिकार पट्टा का किया गया वितरण। गढ़वा। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार ने आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समाहरणालय सभागार में अबुआ वीर अबुआ दिसम वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन पट्टा का वितरण किया। इससे पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर माला अर्पण किया। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत परंपरागत रूप से वनों पर आश्रित रहने वाले अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदाय के लोगों के जीवन यापन तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन भूमि पर साग सब्जी तेंदुपत्ता सिरोई सूखी लकड़ियां मछली लघु वन उपज के संग्रहण के साथ साथ खेल का मैदान शमशान कब्रिस्तान सरना अथवा पूजा स्थल इत्यादि के अति अनिवार्य आवश्यकता को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ वीर अबुआ दिसम अभियान की शुरुआत पिछले वर्ष नवंबर 2023 में की गई थी। इसी अभियान के क्रम में पुनः वर्ष 2024 में पूरे झारखंड राज्य में वन पर परंपरागत रूप से निर्भर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समुदायों को उनके हक और अधिकार को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे राज्य के सभी 24 जिलों में प्रथम चरण में अधिक से अधिक संख्या में सामुदायिक वन अधिकार पट्टा को वितरित करने का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया। वन अधिकार अधिनियम के तहत गढ़वा जिले में वर्ष 2009 से दिसंबर 2023 तक 1224 व्यक्तिगत पट्टा एवं 320 सामुदायिक वन अधिकार पट्टा का वितरण किया गया था, जिसका कुल रकबा 18,286.21 एकड़ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के अनुपालन में केवल वर्तमान वर्ष 2024-25 में आज 9 अगस्त 2024 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कुल 51 सामुदायिक वन अधिकार पट्टा का वितरण किया गया, जिसका कुल रकबा 39,000 एकड़ से अधिक है। वनों पर परंपरागत रूप से आश्रित रहने वाले अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदायों के उनके वन अधिकार को मान्यता देने करने के लिए यह अभी तक का सबसे बड़ा कदम है, जिसमें गढ़वा जिले से पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। मौके पर उपायुक्त पुलिस अधीक्षक उप विकास आयुक्त डीएफओ दक्षिण कल्याण पदाधिकारी सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए लाभुक एवं कार्यकर्ता कर्मी उपस्थित थे। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार।